फ्रेंड्स, चलिए आज हम बनाते हैं मैगी से फालूदा सेवई। इसके लिए ये सामान चाहिए होगा, और चीनी ले लिया, और 1 कप दूध या 1.5 कप, 2 कप, जितना आपका की फैमिली उस हिसाब से ले लीजिए। गैस के ऊपर लिया ऑन, और 1 ग्राम इलायची पाउडर, मैगी, कस्टर्ड पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, चला बन के तैयार है। अब आगे की तैयारी करते हैं। ये सारी तैयारी हो गई है, अब चलिए फालूदा बनाते हैं। ये सेवई है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाते हैं बता रही हूँ। ये फ्रूट जेली रह गई है कट करने को, ऐसे कट कर लेंगे इसको। सबसे पहले सिरप लगाएंगे गिलास में चारों तरफ, ऐसे। फिर सेवई, बस ध्यान रखने वाली बात है कि सब चीजें ठंडी होनी चाहिए। फिर ये तुलसी के बीज, जितनी आपकी इच्छा हो उतना डालिए। टूटी फ्रूटी, जेली, उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स, ये फालूदा सेवई। फिर उसके बाद ये सिरप, फालूदा के बीज, सॉरी तुलसी के बीज। फिर इसको डेकोरेट कर देंगे। जैसे चाहें आप वैसे डेकोरेट करें, जितना चाहें चीज़ें डालें इसमें। ये बच्चों को टूटी फ्रूटी, ये फ्रूट जेली, ये सब बहुत पसंद होता है। ऐसे आप बच्चों को बना के, बच्चों के बड़ों बड़े भी खा सकते हैं। ये देखिए बन के रेडी है मैगी से। मैंने इसकी सेवई बनाई है, मैगी फालूदा, दिख रहा है ना टेस्टी? देखने में नहीं, खाने में भी उतना ही टेस्टी है ये। आप ऐसे बनाइए, सबको खिलाइए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को। थैंक यू फॉर द वाचिंग। एंजॉय करिए।